नमस्कार दोस्तों दोस्तों रूबिक्स क्यूब को सोल्व करना बिल्कुल इजी है। यही मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम रूबिक्स क्यूब को सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें रूबिक्स क्यूब में कुछ मूव्स होते हैं, आई थिंक आपको सबको पता होंगे कि ये इस तरह से मूव करेगा, लेफ़्ट से ऐसे मूव करेगा, अप से मूव करेगा, डाउन से। तो इस तरह से मूव्स हैं इसमें। 3x3x3 का रूबिक्स क्यूब है, तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, हम शुरुआत करेंगे वाइट से। तो ये जो सेंटर में जो वाइट है, यहाँ हमें वाइट का एक प्लस का निशान बनाना है। मतलब यहाँ 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 और यहाँ हमें वाइट जो कलर लेके आना है, वाइट कलर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि एक ये वाइट कलर है, हम इसको यहाँ ला सकते हैं ऐसे, लेकिन हमें ध्यान रखना है इस वाइट कलर के यहाँ ऑरेंज कलर है, तो ये कलर जो होगा इस सेंटर के कलर से मैच करना चाहिए। अब ये ऑरेंज है, ये रेड है, तो हम इसको रोटेट करके सेंटर के कलर से इसको हमें मैच करना है। हमारा ऑरेंज कलर यहाँ है, तो जैसे ये इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारा सेंटर के कलर से मैच हो गया और ये हमारा दो बन गए, यहाँ यहाँ और यहाँ हमें वाइट लेके आना है प्लस बनाने के लिए। तो इसके बाद दोस्तों ये नीचे वाइट है और इसका दूसरा कलर ब्लू है, तो इस ब्लू को इस ब्लू के साथ मैच करना है हमें। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे और ऊपर से घुमाएंगे ऐसे, ब्लू के साथ ब्लू मैच हो गया और ये हम वापस। तो दोस्तों हमारे ये वाइट बन गए हैं, सिर्फ दो और रह गए हैं जिससे हमारा प्लस बन जाएगा। तो एक ये है जिसके नीचे ग्रीन कलर है और ग्रीन यहाँ है, तो वाइट यहाँ आएगा, ग्रीन यहाँ आएगा। तो कैसे आएगा दोस्तों, इस तरह से ये आएगा। दोस्तों हमारा प्लस बन गया, प्लस हमारा तैयार हो गया। और अब आप देखिए, यहाँ वाइट है और इसका कलर ग्रीन है, तो ये सेंटर के ग्रीन से मैच है। उसके बाद रेड है, ये सेंटर के रेड से मैच है। उसके बाद ये ब्लू और सेंटर के ब्लू से मैच है। और ये सारा दोस्तों प्लस बनाना है और सेंटर के कलर से इसको मैच करना है। ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, मैं इस वाइट वाले बेस को ऊपर रखूँगा और हम यहाँ देखेंगे इस कॉर्नर पे हमें वाइट देखना है, वाइट पीस कहाँ पे है। अब ये वाइट ऊपर है, इसको भी नीचे लेके आएंगे, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कैसे लाएंगे। पहले हम इन हर कॉर्नर पे देखते हैं वाइट कहाँ है। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो दोस्तों वाइट ऊपर है ही नहीं। तो वैसे तो ये प्लस बनाने के बाद आपको कहीं ना कहीं वाइट मिल जाएगा, अगर नहीं है तो हम उसको वाइट को ऊपर से या नीचे से यहाँ ले आएंगे इस कॉर्नर पे। जैसे दोस्तों ये वाइट है, इसको हमें लेके आना है, तो इसको हम पहले ऊपर ले आते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा वाइट यहाँ आ गया। तो अब देखना है वाइट के साइड में कौन सा कलर है, ब्लू। दोस्तों अब हमें इस ब्लू को सेंटर के ब्लू से मैच करना है, इनको मैच करना है। तो हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारा ब्लू कलर सेंटर के ब्लू से मैच हो गया। इसके बाद क्यूब को इस तरह पकड़ेंगे, वाइट हमारी तरफ फेस करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, वाइट जो है हमारी तरफ है, राइट साइड में है और ये अपने कलर से मैच है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में वाइट को हम, ये राइट में है, इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। इसको लेफ़्ट की तरफ मूव किया और इसको ऊपर से नीचे ले आएंगे, नीचे फिर वापस जो लेफ़्ट मूव किया था इसको वापस लाएंगे राइट में और इसको ऊपर कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों अब हम फिर अपना वाइट ढूंढेंगे, ये रहा। तो दोस्तों ये वाइट है और इसका कलर है ग्रीन, तो हम ग्रीन को सेंटर के ग्रीन से मैच करेंगे। ये दोस्तों, ये सेंटर के ग्रीन से हमारा ग्रीन कलर मैच हो गया और वाइट अब हमारा दोस्तों लेफ़्ट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इस वाइट को हम राइट साइड में मूव करेंगे। नीचे से राइट साइड में मूव किया और इस साइड से नीचे लाए, राइट वाले को वापस ले आएंगे और इसको ऊपर कर देंगे। अब फिर दोस्तों हम यहाँ पे कॉर्नर्स पे वाइट ढूंढेंगे, ये रहा, और इसका कलर है ब्लू। सेम प्रोसीजर होगा, ब्लू को हम सेंटर के ब्लू से मैच करेंगे, ये मैच हो गया। उसके बाद वाइट को अपनी तरफ फ्रंट करेंगे इसका, ये हमारा लेफ़्ट साइड में है तो इसको हम राइट साइड में मूव करेंगे। तो इसको हम राइट साइड में मूव किया और इसको हम नीचे करेंगे, राइट वाला फिर वापस ले आएंगे और इसको ऊपर कर देंगे। अब दोस्तों एक रह गया वाइट, अब देखते हैं हमारा वाइट कॉर्नर्स पे, ये रहा, और इसका कलर है ऑरेंज, इसको सेंटर के ऑरेंज से मैच करेंगे।
ये हमारा सेंटर का ऑरेंज से कलर मैच हो गया। वाइट का फेस अपनी तरफ करेंगे, ये वाइट लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में मूव करेंगे। तो ये हमें ऐसे मूव किया और इसको नीचे लाएंगे, राइट से फिर वापस इसको ले आएंगे और इसको ऊपर कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं वाइट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम फर्स्ट लेयर चेक करेंगे हमारी शायद क्या सारी कंप्लीट हो गई हैं या नहीं। ग्रीन पूरी है, ये भी पूरी है, ये भी पूरी है और ये भी पूरी। दोस्तों हमारा वाइट कंप्लीट हो गया है सोल्व और ये फर्स्ट लेयर हमारी सोल्व हो चुकी है। अब हमें सेकेंड लेयर सोल्व करनी है। तो सेकेंड लेयर सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हमें क्यूब में ये वाइट बेस है, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ये इन चार में देखेंगे दोस्तों किस में येलो कलर ना हो। जैसे इसमें येलो है इसको इग्नोर करेंगे, अभी इसमें येलो है इसको भी इग्नोर करेंगे, ये है इसमें येलो नहीं है और इन इसमें भी येलो नहीं है। तो दोस्तों इसमें से हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाइट बेस है हमारा और ये जिसमें येलो नहीं है ये हमने लिया है, ये रेड है तो इसको सेंटर के रेड से मैच करेंगे। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं, ये रेड हमारा सेंटर के रेड से मैच हो गया। अब इस रेड के नीचे ग्रीन कलर है, तो दोस्तों ग्रीन कलर या तो हमारे यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो देखते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ है सेंटर में, तो ये हमारा रेड से रेड मैच है और ये ग्रीन यहाँ सेंटर में है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रीन को ग्रीन की तरफ नहीं लेके जाना है इसको, हम ये ग्रीन हमारा लेफ्ट में है तो हम इसको राइट में मूव करेंगे। राइट में मूव किया, इसको नीचे लाए, राइट वाले को वापस लेंगे और इसको ऊपर कर देंगे। अब आप देखिए दोस्तों हमारा वाइट का एक हट गया है यहाँ से वाइट कलर। तो अब ये सेम सिचुएशन आ गई है, हमें नीचे वाइट ढूंढना है कॉर्नर्स पे, ये हमारा वाइट आ गया, तो इसका कलर है रेड और ये ऑलरेडी रेड से मैच है। अगर ये मैच नहीं होता तो हम इस रेड को रोटेट करके मैच कर लेते, सेंटर के रेड से मैच हो गया। अब वाइट का फेस अपनी तरफ रखेंगे, ये हमारा राइट में है तो इसको हम लेफ्ट में मूव करेंगे। तो इस तरह से मूव किया और इसको हम नीचे करेंगे और लेफ्ट वाला वापस इसको ऊपर कर देंगे। तो दोस्तों अब फिर हम दोबारा देखेंगे जिसमें नीचे येलो ना हो, इसमें येलो है इसको इग्नोर करेंगे, इसमें भी येलो है इग्नोर करेंगे, ये वाला कलर इसमें येलो नहीं है इसको लेंगे दोस्तों, ये वाइट बेस और ये हमारा इसमें येलो नहीं है। अब ये रेड है, ये ऑलरेडी रेड से मैच है और इसके नीचे का कलर ब्लू है तो ब्लू हमारा यहाँ है, तो हम इस ब्लू को ब्लू के साथ मैच नहीं करेंगे, ब्लू को इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मूव किया, इसको नीचे लाए, नीचे से फिर इसको वापस और इसको ऊपर कर दिया। फिर वही सिचुएशन आ गई दोस्तों, अब हमें फिर वही कॉर्नर पे वाइट ढूंढना है, ये रहा। तो इसका दूसरा कलर है रेड, ये ऑलरेडी मैच है सेंटर के रेड से, ठीक है। तो इसको फेस अपनी तरफ करेंगे, अब ये हमारा लेफ्ट में है तो इसको राइट में मूव करेंगे। तो इसको राइट में मूव किया और इसको नीचे लाए और इसको वापस इसको ऊपर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा देखेंगे दोस्तों जिसमें यहाँ पे कोई येलो ना हो, इसमें 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 येलो है इसको इग्नोर करो, इसमें येलो नहीं है इसको लेंगे सर। ये ऑरेंज कलर ऑलरेडी सेंटर के ऑरेंज से मैच है, इसके नीचे ब्लू कलर है और ब्लू हमारा यहाँ है तो ब्लू को ब्लू के साइड नहीं लेके जाना है, हमें इसके अपोजिट लेके जाएंगे राइट। इस तरह से फिर वही प्रोसीजर है, इसको नीचे लाएंगे और नीचे वाले को वापस इसको ऊपर कर देंगे। सेम सिचुएशन फिर आ गई दोस्तों, एक हमारा वाइट हट चुका है तो ये कॉर्नर पे ढूंढेंगे हम, ये रहा, ये हमारा वाइट है और ये ऑरेंज है, ये भी मैच है ऑलरेडी। अगर मैच ना हो तो हम इसको रोटेट करके मैच कर सकते हैं, सेंटर के ऑरेंज से ये ऑरेंज मैच हो गया। ये हमारा वाइट राइट साइड में है, इसको हम लेफ्ट में मूव करेंगे। लेफ्ट में मूव किया, इसको नीचे लाएंगे और लेफ्ट से फिर इसको वापस ले आएंगे और इसको ऊपर कर देंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों येलो वाला, ये येलो है इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर, इसमें येलो नहीं है तो इसको लेंगे दोस्तों। ये वाइट बेस है और ये हमारा ग्रीन है तो अब इसको सेंटर के ग्रीन से हमें मैच करना है, तो ये सेंटर के ग्रीन से मैच हो गया। नीचे ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर हमारा यहाँ है तो इसकी तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम इसको अपोजिट लेके जाएंगे ऐसे और फिर इसको हम नीचे लाएंगे और इसको राइट से फिर वापस इसको ऊपर। तो दोस्तों सेम सिचुएशन फिर आ गई, हमें एक वाइट यहाँ कम हो गया, हमें कॉर्नर पे वाइट देखना है, ये रहा। तो इस वाइट के अगेंस्ट ग्रीन कलर है जो ऑलरेडी ग्रीन से मैच है, ठीक है। अब हमें
ये वाइट हमारा राइट में है तो इसको हम लेफ्ट में मूव करेंगे। मूव किया, इसको नीचे लाए, इसको वापस राइट साइड और इसको ऊपर कर देंगे। तो दोस्तों अब हम येलो वाला और देखते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 इन सब पे येलो है, तो अब इन सबको ही इग्नोर करेंगे, हमने ऑलरेडी सब लगा दिए हैं। तो दोस्तों हम चेक करेंगे हमारी दोनों लेयर सोल्व हो गई हैं क्या। नहीं, दोनों लेयर हमारी सोल्व हो गई हैं। देखिए दोस्तों हमारी वाइट सोल्व हो गई है और दो लेयर सोल्व हो गई हैं। अब दोस्तों हमें लास्ट लेयर सोल्व करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं वाइट बेस को नीचे कर देता हूँ ऐसे। तो दोस्तों इस केस में जब हम दो लेयर सोल्व कर लेंगे, हमारे पास यहाँ कई बार सिचुएशन आती है सिर्फ एक येलो कलर मिलेगा, बाकी ये ऑलरेडी प्लस बन गया है, हमें यहाँ पे येलो का ही प्लस बनाना था, ये ऑलरेडी बन गया है। तो आप जब दो लेयर सोल्व कर लेंगे तो इसमें सिचुएशन कई बार ये आएगी, आपके पास सिर्फ येलो कलर होगा, प्लस नहीं होगा, प्लस हमें बनाना होता है। तो मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, बिगाड़ देता हूँ थोड़ा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये प्लस किस तरह से बनना है। दोस्तों मैंने इसको ये चेंज कर लिया है। आप ये देखिए, जब आप ये दो लेयर सोल्व कर लेंगे तो आपके पास हो सकता है सिर्फ येलो आए या उसके साथ एक दो और आ जाए, हमें यहाँ पे येलो का प्लस बनाना है। अगर तो मान लीजिए आपके पास सिर्फ यहाँ सेंटर में येलो आता है, तो आप क्यूब को किसी भी तरह पकड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे या किसी भी तरह। अब हमारे पास ये एक एल टाइप आ गया है, तो दोस्तों हमें इसको उल्टा एल या उल्टा 7 बोलें, इस तरह से हम बनाएंगे इसको और ऐसे क्यूब को होल्ड करेंगे। वाइट हमारा नीचे है तो ये इसको ऐसे पकड़ेंगे। दोस्तों अब हमें येलो का प्लस बनाना है, उसके लिए क्या है, उसके लिए एक ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे ऊपर से, ये वापस और ये वापस और ये फ्रंट वापस। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास एक लाइन बन गई है। तो हमें बनाना है यहाँ दो और चाहिए, प्लस बन जाएगा जब येलो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये लाइन बन गई दोस्तों। अब क्यूब को हमें पूरी लाइन बनने के बाद इस लाइन को हॉरिजेंटल पकड़ेंगे हम दोस्तों, इसको वर्टिकल सीधी लाइन जैसे नहीं पकड़ेंगे, क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे ताकि हॉरिजेंटल लाइन बन जाए। अब आप चाहे इसको ऐसे पकड़ लीजिए क्यूब को, या ऐसे पकड़ लीजिए, एक ही बात है। तो हमने ये हॉरिजेंटल लाइन है, अब हम वही ट्रिक दोबारा करेंगे जिससे कि एक प्लस बन जाएगा। सेम ट्रिक से फ्रंट ऐसे करेंगे, ऐसे ऊपर से, ये वापस और इसको फ्रंट। अब आप देख सकते हैं दोस्तों वही जो हमारे पहली कंडीशन आई थी वही बन गई है, हमारा प्लस तैयार हो गया है। तो दोस्तों प्लस बनने के बाद हमें ये कलर मैच करने हैं, ये ऑलरेडी मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है और ये भी मैच है। तो दोस्तों हमारे ये सारे कलर मैच हैं सेंटर के साथ, ये वाले। तो दोस्तों यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, जब हमारा प्लस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे ये कलर कई सिचुएशन में मैच नहीं होते कई बार। अब मैं और ये कलर ऑलरेडी मैच हो चुके हैं सारे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है प्लस बनाने के बाद, प्लस बनाने के बाद ही ये कलर सारे मैच नहीं होते। तो मैं वो सिचुएशन एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए जैसे, मान लीजिए दोस्तों हमारा प्लस तैयार है और हमारा ये कलर मैच है, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये सिचुएशन आ जाएगी दोस्तों आपके पास जब आपके पास प्लस बनेगा। अगर आपके सारे मैच हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये होता है प्लस बनाने के बाद ये मैच नहीं होते। तो हमें ये मैच करने हैं, कैसे करने हैं दोस्तों, हम इसको रोटेट करके। अब इस सिचुएशन में दो कलर मैच होंगे, ब्लू मैच हो गया और ऑरेंज मैच हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारे दो कलर ये वाले मैच हो गए हैं प्लस बनने के बाद, तो हमें बाकी कलर मैच करने हैं। तो दोस्तों प्लस बनने के बाद एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि आपका ये कलर मैच होगा और ये हो जाएगा, दोनों ये दोनों कलर मैच हो जाएंगे। उस केस में क्यूब को ऐसे होल्ड करेंगे। अब हमारे ये कलर मैच हुए हैं ब्लू और ये ऑरेंज, तो इसको हम इस तरह से होल्ड करेंगे, यानी कि ये जो मैच था उसको हम वहाँ फ्रंट में करेंगे रखेंगे, और ये ब्लू मैच था इसको हम लेफ्ट में रखेंगे, इस तरह से क्यूब को पकड़ेंगे। अब दोस्तों हमें ये वाले कलर भी मैच करने हैं। इसके लिए दोस्तों कलर मैच करने के लिए हम ट्रिक है, पर इसको फिर दो बार, 1 2, ये नीचे, एक बार और
फिर ये वापस ऊपर, एक बार और ऊपर से, और ये वापस। अब दोस्तों ग्रीन को हम सेंटर के ग्रीन से मैच करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों हमारे ये कलर सारे मैच हो जाएंगे, ग्रीन मैच, ऑरेंज मैच, ब्लू और रेड। ये वही सिचुएशन आ गई जो पहले आई थी, हमारे ऑलरेडी कलर मैच हो गए थे, तो ये हमारे मैच हो गए हैं दोस्तों, प्लस हमारा यहाँ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कॉर्नर पीसीस देखने हैं, कॉर्नर पीसीस कौन से अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे दोस्तों ये है, यहाँ ग्रीन है, ग्रीन कलर यहाँ है, रेड है, रेड यहाँ है, येलो है, येलो यहाँ है, तो ये पीस अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके कलर मैच नहीं है। पीस अपनी जगह ठीक है क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें हर कलर है यहाँ, सिर्फ इसके कलर मैच करने हैं हमें, कलर इसके हमें मैच करने हैं, पीस अपनी जगह पे ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट में रखेंगे, इसको लेफ्ट में। अब ये देखते देखिए दोस्तों, जैसे कि ये रेड है, यहाँ हमारा कहीं भी रेड नहीं है, ये येलो है, ग्रीन है और ये ऑरेंज है, तो ये पीस गलत है, मतलब ये अपनी जगह पे नहीं है, इस जगह का पीस नहीं है ये, इसको हम यहाँ लेके आएंगे, यहाँ का है ये येलो, यहाँ है इसमें देखिए, तो इसको वहाँ ले जाने के लिए दोस्तों, अब कॉर्नर के पीस को आगे ले जाने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, कॉर्नर वाले पीस को जब हमें यहाँ लेके जाना है, सेम या तो आपके सभी पीस मैच करेंगे या कोई मैच नहीं करेगा, सिर्फ दो कंडीशन आएंगी, तो इस केस में क्या होगा वो मैं बताऊंगा कि ये मैच कर रहा है, और इस केस में जब ये मैच नहीं कर रहा है इसको हम आगे लेके जाएंगे, इस तरह से करेंगे। तो इसको हमें यहाँ लेके जाना है, इसको हम ऐसे करेंगे, ऊपर से एक बार घुमाएंगे और अब नीचे से इसको वापस, तो ये वापस नीचे, इसको ऐसे और ये ऐसे, तो रेड को हम रेड से मैच कर देते हैं ताकि ये सेंटर के कलर मैच रहें। तो अब देखिए दोस्तों वो आगे चला गया, ये हमारा मैच है। अब ये है, इसमें येलो है, यहाँ है, ब्लू ब्लू नहीं है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ का पीस नहीं है, ये भी आगे जाएगा यहाँ पे, इस कॉर्नर को, इस पीस को इस कॉर्नर पे लेके जाना है, सेम प्रोसीजर है दोबारा, फिर इस पीस को शिफ्ट करने के लिए दोबारा यही करेंगे, इसको ऊपर एक बार और ये साइड वाला ऊपर, इसको वापस, ये वापस एक बार ऊपर, प्लस ये वाइट मैच होगा और ये नीचे, और रेड को सेंटर से मैच कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब जैसे ये कॉर्नर पीस है, ये देखें क्या ये अपनी जगह पे सही है, ग्रीन कलर यहाँ है, रेड यहाँ है, येलो यहाँ है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसके कलर मैच नहीं है वो हम करेंगे अभी, ये भी अपनी जगह पे ठीक है, ग्रीन कलर यहाँ है, ऑरेंज यहाँ है, येलो यहाँ है, तो सभी ये चारों कॉर्नर वाले पीसीज अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक आ गए हैं, सिर्फ अपने कलर से मैच नहीं है। अब दोस्तों क्यूब को आप किसी भी तरह होल्ड कर लीजिए, जब ये चारों आपके बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हैं, कैसे भी पकड़िए क्यूब को, और इनके कलर मैच करने के लिए दोस्तों जो मूव है वो ये है दोस्तों, अभी ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार इसको, दो बार, एक दो, एक सेकंड दोस्तों, इसको एक बार, एक दो, उसके बाद वापस, फिर आगे और ये ऐसे, फिर आगे और ये नीचे। दोस्तों राइट साइड से हमने ये ट्रिक की है, सेम यही काम लेफ्ट साइड से करेंगे, तो इसको ऊपर, इसको दो बार, एक दो, इसको वापस नीचे, फिर ये आगे एक बार और इसको ऊपर करेंगे और इसको ऊपर करेंगे, नीचे कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, ये सेंटर वाला पीस बिल्कुल ठीक हो गया, ये पीस बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जो दो पीस ठीक हो गए हैं इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब हमारे सिर्फ ये दो पीस रहते हैं जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि ब्लू है, ये ब्लू कलर है, रेड यहाँ है और येलो यहाँ है। तो दोस्तों ये दोनों पीस अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ इनके कलर मैच नहीं है। तो कलर मैच करने के लिए सेम यही ट्रिक दोबारा करेंगे दोस्तों, सेम अब ये लास्ट, इसका ये लास्ट ट्रिक है, मतलब इसके बाद ये रूबिक्स क्यूब हमारा सॉल्व हो जाएगा, सेम बिल्कुल वही है, वही प्रोसीजर है। इसको ऊपर करेंगे, इसको दो बार, एक दो, इसको वापस,
और ये एक बार और, फिर ये वापस ऊपर, एक बार और ये नीचे। अब सेम यही यहाँ पे ट्रिक इस तरफ लेफ्ट साइड से, इसको ऊपर दो बार, एक दो, इसको फिर नीचे करेंगे और ये वापस उधर, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ, इसको नीचे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा रूबिक्स क्यूब सोल्व हो चुका है। दोस्तों ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो देखिए दोबारा और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं सेम मूव यूज़ करके आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।